नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स पर। मैं हूं आपके साथ सत्यम दुबे, मेरे साथ है मयंक। जिस तरीके से आज आईपीएल के सीजन का 35वां मुकाबला खेला जाने वाला है आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच, इसको लेकर हम लोग बातचीत करने आए हैं आप लोगों से प्लेइंग 11 के साथ, स्पेशल 11 और क्या हो सकती है दोनों टीमों की हेड टू हेड क्या है और किस तरीके से दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है अब तक, इस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक मुंबई इंडियंस का जो खेल चला है निश्चित तौर पर उम्मीद के अनुसार मुंबई इंडियंस प्रदर्शन नहीं कर पाई है, जबकि गुजरात टाइटंस अच्छे लय में है। गुजरात टाइटंस पॉइंट टेबल में नंबर 4 पर है और उम्मीद है कि जिस तरीके से गुजरात का प्रदर्शन है वो और बेहतर करती हुई जाएगी आगे आने वाले वक्त में। तो मैम, क्या लगता है इस मुकाबले को लेकर गुजरात टाइटंस को और मुंबई इंडियंस के बीच जो मुकाबला होगा, क्या मुंबई इंडियंस पलटवार कर पाएगी गुजरात टाइटंस पर? जी, जैसा आपने कहा, मुझे लगता है मुंबई इंडियंस 3 मैच लगातार जीत कर अभी रिसेंट वाला जो हार का सामना करना पड़ा उसमें भी काफी क्लोज आ गए थे। 215 का लक्ष्य था, 201 बना लिए थे मुंबई इंडियंस ने। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि मुंबई इंडियंस जिस तरह से इस सीजन टच में नजर आई है, कहीं ना कहीं गेंदबाजी बहुत उन्हें उनके लिए घातक साबित हो रही है। क्योंकि आप देखिए, गेंदबाजी में प्रदर्शन की बात करें, पिछले मुकाबले में अर्जुन तेंदुलकर ने 1 ओवर में 31 रन दिए, इस आईपीएल का जॉइंट हाईएस्ट, क्योंकि इससे पहले यश दयाल को भी 31 रन पड़े थे रिंकू सिंह द्वारा। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में कमी तो नजर आई है, चाहे आप जोफ्रा आर्चर को ही ले लें, भले ही उन्हें तेज गेंदबाजी की कमान संभालने को मिली है मुंबई इंडियंस की, लेकिन उस लय में अभी तक उनका प्रदर्शन दिखा नहीं है। कुछ मैचेस में इंजर्ड भी रहे थे और देखिए, जोफ्रा आर्चर के वापस आते ही हम लोग हारना दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की टीम। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इससे पहले जब आप रैली मेरेडिथ के साथ खेल रहे थे तो वो अच्छी गेंदबाजी निकाल रहे थे और आप मैचेस जीत रहे थे। निश्चित तौर पर आपने जो बातें कही, उम्मीद करते हैं कि मुंबई इंडियंस इसको अच्छे से देखे और उसकी कमी को समझ पाए कि उसकी कमी वो कहाँ रही है। जिस तरीके से अर्जुन तेंदुलकर को मौका मिला है 1-2 मैचों में अच्छा करते हुए नजर आए हैं, उसके बाद अब उनकी गेंदबाजी को सभी खिलाड़ियों ने समझ लिया है, तो थोड़ा सा वो उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से उनको जिस उम्मीद के साथ उनको लाया गया था। निश्चित तौर पर पॉइंट टेबल हो गया। अगर मैं हेड टू हेड की बात करूँ, मैं दोनों टीमें अभी तक सिर्फ एक मुकाबला खेली है और उसमें मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल की है, यानी गुजरात टाइटंस को भी जीतना बाकी है मुंबई इंडियंस के खिलाफ। तो पिछले आंकड़े को देखकर क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस लगातार जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगी या गुजरात टाइटंस पिछली हार का बदला लेगी? जी, अगर बात करें गुजरात टाइटंस की, तो जिस तरह से गुजरात टाइटंस की टीम जैसे प्रदर्शन कर रही है, चाहे आप 135 रन भी बनाते हैं तो आप उसको डिफेंड कर लेते हैं, तो जिस तरह के फॉर्म में गुजरात टाइटंस चल रही है, मुझे लगता है कि आज के मुकाबले में, मैं हालांकि मुंबई इंडियंस का सबसे बड़ा फैन हूं, लेकिन आज के मुकाबले मुझे लग रहा है गुजरात कुछ ना कुछ कारनामा कर सकती है। क्योंकि भाई 135 रन अगर आप डिफेंड कर ले रहे और आखिरी के 5 ओवर में अगर आप उस मैच में देखें जो स्लॉग ओवर्स माने जाते हैं, जहां रन बरसते हैं, वहां 1 ओवर में 1 रन दे रही है, 1 ओवर में 2-3 ऐसे रन जा रहे हैं, 6 रन जा रहे हैं 1 ओवर में स्लॉग ओवर्स में। तो भाई, जिस तरह की गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रही है गुजरात टाइटंस, मुश्किल होने वाली है मुंबई इंडियंस के लिए। निश्चित तौर पर गुजरात टाइटंस के कप्तान जो हार्दिक पांड्या है, कभी मुंबई इंडियंस से खेला करते थे, तो उनको कमियां अच्छी तरीके से जानते हैं और रोहित शर्मा भी हार्दिक पांड्या की कमियों को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों खिलाड़ी, दोनों कप्तान अपनी अपनी टीम के लिए दूसरी टीमों की कमी पर ध्यान देकर अच्छे से प्रदर्शन करें और अपनी अपनी टीम के लिए मुकाबला जीते। दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11 हो सकती है, मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे और अपने साथियों से भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम शाम को जब लाइव आएंगे तो आपसे उस समय भी जानेंगे और आप कमेंट के माध्यम से अपने प्लेइंग 11 या जो भी आपके सवाल हो आप प्लीज हमसे कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, तो हम अपने लाइव में आप लोगों से इस पर चर्चा भी करेंगे। गुजरात टाइटंस की जो प्लेइंग 11 है, शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा, विजय शंकर, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तिवतिया, अभिनव मनोहर, राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा, ये हो सकते हैं गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11 में ये खिलाड़ी अब खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जबकि मुंबई इंडियंस की मैं बात करूं, मुंबई इंडियंस 5 बार के चैंपियन है रोहित शर्मा की कप्तानी में, तो मुंबई इंडियंस भी किसी से कम नहीं। खैर, अभी प्रदर्शन उस लेवल पे है नहीं मुंबई का, तो फिर भी उम्मीद करते हैं ये मुकाबला जीते। रोहित शर्मा, ईशान किशन, कैमरून ग्रीन, सूर्य कुमार यादव, टिम डेविड, तिलक वर्मा, अर्जुन तेंदुलकर, ऋतिक शौकेन, जोफ्रा आर्चर, पीयूष चावला और जेसन बेहरेन रॉफ, तो ये प्लेइंग 11 हो सकती है मुंबई इंडियंस की। तो देखना होगा, मैं दोनों टीमों में क्या लगता है, कॉम्बिनेशन बेहतर है, सदी हुई टीमें हैं या फिर कुछ कमी नजर आ रही है, या कोई किसी खिलाड़ी को तुम बदल सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो प्लेइंग 11 से? जी, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस को एक स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। हाँ। कि आप जोफ्रा आर्चर की जगह पर
आप किसी भारतीय तेज गेंदबाज को मौका दीजिए जो आपके लिए प्रदर्शन अच्छा कर पाए, जैसे कुमार कार्तिकेय अगर अवेलेबल है आपके लिए, हालांकि वो स्पिन गेंदबाज है, लेकिन फिर भी अगर कोई भारतीय तेज गेंदबाज है डगआउट में तो मुझे लगता है उन्हें मौका मिलना चाहिए। और आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर डेवाल्ड ब्रेविस का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस डेवाल्ड ब्रेविस ने भी पिछले सीजन दिखाया, अभी तक वो क्यों नजर नहीं आया मुंबई इंडियंस की तरफ से मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि शुरुआत में कैमरून ग्रीन पर सवाल उठ रहे थे कि कैमरून ग्रीन अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन पिछले दो मुकाबलों में उन्होंने दिखा दिया है कि भैया मैं भी यहाँ खेलने आया हूँ, मुझे अच्छे से खेलना आता है। और कहीं ना कहीं कल सचिन तेंदुलकर अपना 50वां जन्मदिन मनाए हैं, तो आज मुंबई इंडियंस उनके जन्मदिन को एक ट्रिब्यूट भी देना चाहेगी जीत के साथ। तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा मुंबई इंडियंस बिल्कुल अपने परफॉर्मेंस में थोड़ा इजाफा उन्हें करना चाहिए, क्योंकि भाई कल आपके इतने बड़े लेजेंड ने जन्मदिन मनाया है, आज आप उन्हें एक तोहफा, एक जीत का तोहफा तो देना चाहेंगे। निश्चित तौर पर मुंबई इंडियंस की जो प्लेइंग 11 हो सकती है, मैंने आपसे शेयर की, गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 आपसे शेयर की है, उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से दोनों टीमों की प्लेइंग 11 है, अगर आप कमेंट में अपनी बात रख पाए तो आप प्लीज रखिएगा। और इसी के साथ हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, अब लाइव में बचा हुआ बातचीत आपसे हम करेंगे आज, और हम लेते हैं विराम। और बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।